फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन स्टडी बाइट्स को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलते रहें और नॉलेज आपकी बढ़ती रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतीक्षा। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती का, तो उनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो रहा है और उसके आवेदन करने की आखिर तारीख आ चुकी है, जो है 15 मार्च। तो 15 मार्च से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप 15 मार्च से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि जो लिखित परीक्षा है वो पहली बार हो रही है, लिखित परीक्षा के माध्यम से ये जो भर्ती है वो करवाई जाएगी और इसका जो पाठ्यक्रम तैयार किया है वो UPSC के द्वारा किया गया है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आप सब लोगों को बता चुकी हूँ, तो आज सिर्फ हम बात करेंगे कि जो आवेदन है उसकी तारीख के बारे में, जो है 15 मार्च। तो चलिए विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात बता दूं कि जो सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा थी जो 12 मार्च को होनी थी वो अब टल चुकी है। तो जो लोग देना चाह रहे थे या देने वाले थे, तो उनके लिए पता नहीं खुशखबरी है या दुखखबरी है, लेकिन जो अभी 12 मार्च को परीक्षा होनी थी वो टल चुकी है। तो चलिए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में बात करते हैं। तो इस पर विस्तार से जानते हैं क्या है खबर। तो प्रदेश के राजकीय स्कूलों में अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू हो जाएगी और BEd डिग्री धारक अभ्यर्थियों को इस परीक्षा का लंबे समय से इंतज़ार था। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, वैसे भी BEd डिग्री धारकों के लिए काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं और अल्टीग्रेड शिक्षक के जो 10,000 से अधिक पदों के लिए आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन 15 मार्च को उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग UPSC की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तारीख 12 अप्रैल निर्धारित की गई है, जबकि ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तारीख 16 अप्रैल है। अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत पहली बार आयोजित की जा रही लिखित परीक्षा के लिए आयोग ने विशेषज्ञों के माध्यम से पाठ्यक्रम तैयार करा लिया है। कुल 10,768 पदों पर भर्ती होनी है। तो अंतिम तिथि तो 12 अप्रैल है और बैंक में शुल्क जमा करने की, और आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल है। तो हो सकता है 10 अप्रैल तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें उससे पहले ही। इसमें पुरुष शाखा के 5,364 और महिला शाखा के 5,404 पद शामिल हैं। तो पुरुष की जो शाखा है, पुरुष शाखा जो पुरुष भर्ती है उस वो अलग है और महिलाओं की भर्ती अलग है। तो महिलाओं के पद अलग हैं, पुरुष के पद हैं वो अलग हैं। तो आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार विस्तृत विज्ञापन 15 मार्च को आयोग की वेबसाइट http://upsc.up.nic.in पर जारी किया जाएगा। उसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का परफॉर्मा, परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण एवं आयु के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश उपलब्ध रहेंगे। तो परीक्षा केंद्र हर शहर में नहीं होंगे, जो UPSC के केंद्र हैं तो उन जिलों के नाम भी उसमें होंगे कि आपको कहाँ के लिए फिल करना है। तो परीक्षा केंद्र भी आप अपने आसपास, या अगर आपका ही जिला है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आसपास का जिला है तो आप अपने आसपास का जिला ही उसमें फिल करिएगा। तो पहले यह परीक्षा संयुक्त शिक्षा निदेशक कराते थे, इसके बाद सपा शासन काल में जिम्मेदारी अपर निदेशक को दे दी गई। अपर निदेशक ने सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन भी मांग लिए थे और तकरीबन 5.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किए थे, लेकिन इस बीच तय हुआ अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती भी लिखित परीक्षा के माध्यम से कराई जाएगी व परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी UPSC को सौंप दी गई है। तो अच्छी बात ये है कि जिम्मेदारी UPSC को सौंप दी गई है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि सहायक शिक्षक भर्ती में कितना झोलमाल सा
झमेला सा हो गया है कि जो यूपी टेट है उसमें 14 प्रश्न गलत थे, उन पर याचिका भी दायर की गई, बल्कि रिज़ल्ट भी आ गया, मेरिट भी बन गई और एग्ज़ाम की डेट भी आ गई, यहाँ तक कि प्रवेश पत्र भी वितरण हो चुके हैं काफ़ी लोगों के। इसके बाद पता चलता है कि जो एग्ज़ाम है वो होगा ही नहीं, जो मेरिट है दोबारा बनेगी। तो काफ़ी कंफ्यूजन है, काफ़ी टेंशन है उन लोगों में, उन वहाँ के जो अभ्यर्थी हैं जो सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए उससे अच्छा है कि थोड़ा UPSC में थोड़ा होता है पर इतना नहीं होता है, तो ये अच्छी बात है कि ज़िम्मेदारी UPSC को सौंप दी गई है। तो हालांकि पुराने आवेदकों को नए सिरे से विज्ञापन जारी होने के बाद अब फिर से आवेदन करना होगा। तो जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है, आखिर हमें एक तिथि पता चल गई। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर विज्ञापन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, विज्ञापन संख्या A1E1 2018, सहायक अध्यापक प्रशिक्षक स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2018, संक्षिप्त विज्ञापन। अभी ये संक्षिप्त विज्ञापन है, जो पूर्ण विज्ञापन होगा वो 15 मार्च को ही आएगा। उसके लिए आप मेरे चैनल से बने रहिए उसके लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए कि जिससे जो इससे संबंधित कोई भी वीडियो होगा, चाहे वो न्यूज़ से संबंधित हो, चाहे सिलेबस से संबंधित हो, चाहे कोई मटेरियल एग्ज़ाम मटेरियल से संबंधित हो, तो वह उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके, अगर आपके मतलब की कोई न्यूज़ है तो आप उसे देख पाएँ। तो इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन दिनांक 15/3/2018 से आयोग की वेबसाइट http://upsc.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का परफॉर्मा, परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण एवं आयु के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात एवं अर्हर होने के जो की स्थिति में ही आवेदन करें, अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आवेदन करें। और रिक्तियों का विवरण, वर्तमान में चयन हेतु रिक्तियों की संख्या क्या है, 10,768 है, जिसमें पुरुष शाखा हेतु 5,364 बताए हैं, महिला शाखा हेतु 5,404 हैं। तो विषय वार, आरक्षण वार, पुरुष एवं महिला शाखा हेतु रिक्तियों का विवरण विस्तृत विज्ञापन की बिंदु संख्या 7 में दिया गया है। रिक्तियों की संख्या विशेष परिस्थितियों में शासन के अनुरोध पर घट बढ़ सकती है, तो रिक्तियां बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं। तो शैक्षिक अर्हता, जैसा कि विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 11 शैक्षिक अर्हता में दिया गया है। आयु सीमा, तो शैक्षिक अर्हता बता दूं मैं कि आपने ग्रेजुएशन किया हो प्लस BEd आपका कंप्लीट हो चुका हो, तो आप तभी LT ग्रेड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आयु सीमा 1 जुलाई 2018 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। तो 1 जुलाई तक 21 वर्ष के आप हो चुके हो, और उनका जन्म 2 जुलाई 1978 से पूर्व तथा 1 जुलाई 1997 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार दिव्यांग जन हेतु अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अगर दिव्यांग हैं तो 55 वर्ष अधिकतम आयु है, उनका जन्म 2 जुलाई 1963 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों जिनका विवरण विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 12 में दिया गया है कि नियमानुसार आरक्षण अधिकतम आयु सीमा में शिथिलतन अनुमन्य होगा। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 15 मार्च, ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल 2018 है, ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल होगी। तो ये था विज्ञप्ति, संक्षिप्त विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो चलिए, इतना इंतज़ार किया तो 15 तारीख तक का और इंतज़ार करते हैं। और आखिर परीक्षा की तिथि भी आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो 6 मई को परीक्षा होगी
जो यूपीपीएससी का कैलेंडर है, अर्धवार्षिक कैलेंडर निकालता है अपना, जो परीक्षा होने वाली होती हैं यूपीपीएससी के द्वारा, तो उसमें सहायक अध्यापक प्रशिक्षक स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा जो 2018 का जो परीक्षा दे रखी है वो 6 मई दे रखी है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, तैयारी में कोई कमी ना रखें, अपने जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें, अपने सब्जेक्ट का जो को अच्छे से पढ़ लें, कोई भी टॉपिक आपका ना बचे। तो आपके लिए जो सिलेबस है मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो परीक्षा होगी वो TGT के पैटर्न पर होगी, तो आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। और जो बाकी का सिलेबस है और जो UPSC ने तैयार किया है वो 15 मार्च तक आ जाएगा, तो थोड़े दिन का और इंतज़ार कर लें। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल माय वीडियोस। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।